नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स, प्रॉपर्टी मॉल। और यहां पंछी जो हैं वो मज़े कर रहे हैं। और इनके लिए एक शेर याद आया था कि मफरूर परिंदों को ये ऐलान गया है, जो अपनी मस्ती में भाग रहे हैं उनको मफरूर कहते हैं। मफरूर परिंदों को ये ऐलान गया है, सयाद नशे मन का पता जान गया है। सयाद होता है जो पंछियों को पकड़ता है, और नशे मन जो घोंसले को कहते हैं। तो मफरूर परिंदों को ये ऐलान गया है, सयाद नशे मन का पता जान गया है। जिसको दीमक लगी जाती थी वो मैं था, जिसको दीमक लगी जाती थी वो मैं था, अब जाके मेरा मेरी तरफ ध्यान गया है। तो मोस्टली घरों में अगर ध्यान नहीं रखा जाए तो घर में दीमक लग जाती है, सीलन आ जाती है, घर खराब होने लगते हैं। तो कई बार तो मकान मालिक हैं, कहीं और रहते हैं और किराए पे मकान दे रखा होता है, और किराएदार शायद वो बॉन्डिंग नहीं बना पाते घर की देखभाल को लेकर। अभी हम एक घर आपको दिखाने आए हैं, अभी आपको उस घर के अंदर की एक वीडियो दिखाते हैं, क्योंकि उसके अंदर अभी किराएदार रह रहे हैं। तो आइए पहले वो देखते हैं। तो अभी आपने देखा ये जो वीडियो घर के अंदर की थी, क्योंकि किराएदार रह रहे हैं, उनका सामान पड़ा हुआ है, तो हम ज़्यादा तफसील के साथ, डिटेल के साथ आपको अंदर खड़े होकर नहीं बता पाए। और उस घर के बिल्कुल सामने ये पार्क है, तो ये ग्राउंड फ्लोर घर है और घर के सामने ये पार्क है, और पार्क भी वेल मेंटेन्ड है। और ये जो सोसाइटी है इसके अंदर इस तरफ कवर्ड पार्किंग है, सामने सिक्योरिटी गार्ड हैं, और इसमें 3,000 रुपया मंथ की आपको मेंटेनेंस देनी पड़ती है, जिसमें स्वीपर्स भी हैं, सामने स्वीपर लगे हुए हैं सफाई के लिए, और सिक्योरिटी गार्ड हैं 24 घंटे, फाउंटेन है, पार्किंग है, पार्क है, बैकअप है यहाँ पे, और एसटीपी भी है, और शहर के बिल्कुल बीचों बीच है सेक्टर 126। अब सेक्टर 126 में कहाँ है ये? एसबीपी ग्रुप के अंदर ये जो एसबीपी के यहाँ पे काफ़ी प्रोजेक्ट हैं, उसमें से एक प्रोजेक्ट के अंदर ये वाला घर ग्राउंड फ्लोर का है। अब एयरपोर्ट रोड पे जब हम टीडीआई की लाइटें, जहाँ पे गरम धर्म रेस्टोरेंट है, किटानी है और भी हैं, उसको आगे क्रॉस करेंगे तो ट्रैफिक लाइट्स आती हैं, उसी से अंदर आएंगे तो अंदर जो रोड चल रही है उसके ऊपर ये सोसाइटी है, और सेक्टर 126 है, अप्रूव्ड है, लीगल है, कोई दिक्कत नहीं है, और ग्राउंड फ्लोर है, कोई ऊपर नहीं चढ़ना है आपने, ग्राउंड फ्लोर है, पार्क फेसिंग है, और ये सारे प्लस पॉइंट हैं। अब हमारे एक मित्र हैं, उनका ये फ्लैट है, अब उन्होंने कहा जी आप उसकी वीडियो बना दो, और मेरे को फाइनेंशली कुछ प्रॉब्लम आई है, कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी है, तो अब वो सेल करने के लिए इसको रेडी है। यहाँ पे 20,000 के आसपास 25 भी आ जाता है, रेंट आ जाता है 3 BHK का, और यहाँ पे जो 3 BHK का रेट चल रहा है वो इसके आसपास अगर नया आप जाके ढूंढोगे तो कोई 65 मांगेगा, कोई 60 मांगेगा, कोई
55 मांगेगा, अपना अपना प्राइस है, अपने अपने प्रोजेक्ट का अपना अपना प्राइस है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर भी प्राइस काफ़ी हाई है, और ये जो फ्लैट है ये आपको यहाँ पे जो नॉर्मल प्राइस चलता है 3 BHK का ग्राउंड प्लस सेकंड वाले का, इसके आसपास वो 45 से 50 के बीच में चलता है, लेकिन ये वाला फ्लैट आपको उससे काफ़ी सस्ता मिल जाएगा। कितना सस्ता मिल जाएगा ये जब आप पहले आओगे, पहले इस लोकेशन को अगर आपको पसंद आएगी, और अगर आपको ये फ्लैट पसंद आएगा, क्योंकि जिस कंडीशन में अगर ये फ्लैट है इसके ऊपर 2-2.5 लाख रुपया लगेगा, तो वो हमने सोच के पहले ही आना है कि भाई अगर हम पुराना बना हुआ फ्लैट ले रहे हैं और एक डेवलप एरिया में ले रहे हैं जहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, और वहाँ पे अगर हम ले रहे हैं तो वहाँ थोड़ा बहुत हमें रेनोवेशन करानी पड़ेगी, तो 2-3 लाख रुपया हम कॉस्ट मान के चलते हैं। अगर आप इतने पैसे हमें भी दोगे तो हम भी रेनोवेट कर देंगे, हमारी भी कंस्ट्रक्शन टीम है, रेनोवेशन वाली टीम है, हम करते रहते हैं ये काम। कई बार देखने में लगता है ये तो बहुत 10 लाख खर्चा आ जाएगा, कमेंट करते हैं लोग कि जी यहाँ पे 10,000 का 10 लाख खर्चा आ जाएगा, नहीं आता है इतना। अगर आपके मन में डाउट है तो हम आपको एक बजट बना के देंगे, उससे ऊपर नहीं जाएगा, उससे नीचे नीचे आएगा, और हम ही करा के दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 2-3 लाख मैंने कहा है तो उसके अंदर ही ये सब कुछ हो जाएगा, अगर आप बोलोगे तो हम कर देंगे। अब बात आती है कि अगर 45 लाख रुपया मार्केट का प्राइस है, कम से कम लोएस्ट, और हाई प्राइस यहाँ पे है 70 लाख के आसपास, तो इतनी वैरायटी के अंदर आपको एक चीज़ मिल रही है मार्केट से सस्ती, और रेनोवेशन करने के बाद भी वो आपको इससे काफ़ी सस्ती मिलेगी। अब डिपेंड करता है कि आपको पहले लोकेशन पसंद आनी चाहिए और उसके बाद फिर आगे की बातें होती हैं। कई बार कुछ दोस्त हैं वो नीचे लिख देते हैं कि जी 25 में करा दो, वो दिल्ली में हम जाते हैं ना जब करोल बाग वो चांदनी चौक के आसपास, तो वहाँ चीज़ों का रेट मांगते हैं जी 500 रुपया, तो हम भी वहाँ पे 100 रुपये लगा देते हैं और फिर वो 200-250 में हाथ बन जाती है। तो बहुत से दिल्ली के लोग हैं उनको लगता है कि ऐसे ही यहाँ पे भी होता है, किसी ने 70 मांगा तो उसको आप 30 लगा दो, ऐसे यहाँ नहीं होता, रियल स्टेट में ऐसा नहीं होता। जब भी हम कोई प्राइस ऑफर करते हैं तो उसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए, यूं ही नहीं है कि हमने उसने 50 मांगा हमने 25 बोल दिया, तो ऐसे प्लीज़ आप मत किया करें, ऐसे डील होने वाली नहीं होती है, तो टाइम वेस्ट। चलिए, तो ये जो फ्लैट हमने आपको दिखाया 101% कन्फर्म है ये बात कि ये ज़्यादा दिन नहीं रुकेगा, क्योंकि लोकेशन अच्छी है और आप देख रहे हैं मेंटेन्ड सोसाइटी है और पूरी भरी पूरी है यहाँ पे। जब भी कोई रीसेल में कोई चीज़ आती है तो सोसाइटी के अंदर ही लोग उसको बाय कर लेते हैं, बाहर से बायर की ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ती है। आगे भी यहाँ पर टॉप फ्लोर था, यहीं हम खड़े हैं, ये सामने टॉप फ्लोर था, हमारे पड़ोसियों का था, तो इन्वेस्टमेंट उन्होंने कर रखी थी, तो वो वीडियो हमने बनाई और हमारी वीडियो यहीं सोसाइटी में किसी ने देखी और यहीं पर डील हो गई, हमें कुछ नहीं मिला उसके अंदर, लेकिन सेल हो गया। अच्छी बात है कि बड़ी जल्दी सेल हो गया। अब इसमें भी ऐसे ही होगा, हो सकता है सोसाइटी में ही कोई देखे और वही इसको बाय कर ले, क्योंकि सब जो यहाँ पे रह रहे होते हैं उनको एक एरिया के बारे में नॉलेज हो जाती है, बाहर वाले बंदे को कई बार कुछ चीज़ें नहीं समझ आती हैं, बट जो ऑलरेडी रह रहा होता है उसके लिए वो बहुत कंफर्टेबल जोन होता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी, आज के इतना ही, मिलते हैं अगले बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।